राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम करुणा की देवी मदर टेरेसा। We have gathered here together to thank God for the Nobel Peace Prize. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light. ये संवेदनशील आवाज एक ऐसी मां की है। जब कोई बेबस बीमार होता है तो ये मां उसको नहलाती है, पहनने के लिए उसे कपड़े देती है और अपने हाथों से ये उसके घावों पर मरहम पट्टी करती है। जो विकलांग, अंधे, बहरे, कुष्ठ रोग से पीड़ित और ऐसे सभी बेघर लोग जो अपनों के द्वारा ठुकराए हैं, प्रेम से वंचित हैं और बिना देखभाल के समाज पर बोझ की जिंदगी जी रहे हैं, तिरस्कार की जिंदगी से हार कर उदास हैं, तो ये मां उसका दर्द अपनी मुस्कानों से, अपने मानवीय स्नेहमय स्पर्श से हरती है। बिना किसी शक के जो ये सब करने के लिए मौजूद रहती है वो किसी भी दूसरी मां से अलग है, क्योंकि वो सबकी, हम सब की मां है, जिन्हें सारा संसार आज मदर टेरेसा के नाम से जानता है। ग्रीस के उत्तर में यूगोस्लाविया, जो अब मैसेडोनिया देश के नाम से जाना जाता है, वहां कोपजे शहर है, जहां 26 अगस्त सन 1910 को एक अल्बानियन दंपति के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। इस बच्ची का नाम माता पिता ने एग्नेस गुंजा बोजाशियो रखा। एग्नेस गुंजा का अर्थ होता है गुलाब की कली, यानी रोज बट। जब एग्नेस सिर्फ 4 वर्ष की थी तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी की सेना ने मित्र राष्ट्रों पर हमला कर दिया। एग्नेस और उनके परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 3 वर्ष बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी मां ड्राना को अपने 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। उनकी मां शादी के कपड़ों की कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी। वो हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहती कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और वो बिगड़े हुए बच्चों से जरा दूर ही रहें। एक दिन, अरे तूने मेरी किताब देखी? हाँ, एग्नेस, कितनी अच्छी किताब। आगा। जी माँ। देखो बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी दोस्ती किन बच्चों के साथ है। जी। जानते हो,
टोकरी में पड़ा हुआ एक सड़ा हुआ सेब दूसरे सेबों को भी गला देता है। क्या एक सेब के गले भाग को काटकर बाकी सेबों को खराब होने से नहीं बचाया जा सकता? आप भी तो घर में सेबों के साथ ऐसा ही करती है ना? शाबाश मेरी बेटी एग्नेस, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी कोशिश उनकी मदद करना होनी चाहिए, ना कि उनसे नफरत कर उन्हें दूर भगा देना चाहिए। जी माँ। एग्नेस की स्कूली शिक्षा लाइसियम के राजकीय सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसे संगीत में रुचि थी और अपनी कोमल और मधुर आवाज के लिए उसे चर्च क्वायर के लिए नाइटिंगेल समझा जाता था। वो मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाती थी। एग्नेस सुप्रानो और उसकी बड़ी बहन आगा क्वायर में दूसरी आवाज देती थीं। एक दिन, चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुना सुना। एक इतावली व्यापारी का एक बेटा था। उसके माता पिता उसे दुलार से सीसो कहकर पुकारते थे। जी। जानते हो बच्चों, वो एक संवेदनशील और दानी स्वभाव का युवक था। अच्छा। हिंसा और पशु हत्या का वो बिल्कुल विरोधी था। ओ। आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा संत बना। वो क्या करता था? हाँ? वो निस्वार्थ गरीबों की सेवा करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी संपत्ति का उपयोग घरों से निकाले हुए कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनाने में किया। इससे 12 वर्षीय कक्षा 5वीं की छात्रा एग्नेस को एक ऐसी सीख मिली जिसे वो कभी नहीं भूली। सत्ताईस अगस्त 1928, अपने 18वें जन्मदिन के एक दिन बाद उन्होंने इस सांसारिकता से अलग होकर एक तपस्विनी यानी नन बनने का फैसला किया। विदा होते हुए आखिरी बार जो शब्द मां ने अपनी बेटी से कहे वो उनके हृदय पर अंकित हो गए। Put your hand in Jesus' hand and walk along with him. Walk ahead, because if you look back, you will go back. उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी मां और बहन को नहीं देखा। एक दिसंबर 1928 को अपना परिवार, अपना देश, सब कुछ छोड़कर वो भारत के लिए निकल पड़ी। पांच हफ्ते के थकाने वाले समुद्री सफर में यूगोस्लोवाकिया और आयरलैंड से दो सिस्टर्स उनके साथ थीं। कोलंबो, फिर मद्रास और अंततः वो कलकत्ता पहुंच गईं। यहां पहुंचने पर उत्साही तपस्विनी ने अपनी मां को खत लिखा। On January 6th in the morning, we sailed from the sea to the river Ganga, also called the Holy River. Traveling by the route, we could take a good look at our new homeland, Bengal. Pray much for us that we may be good
and courageous missionaries. सत्ताईस मई सन 1931 को उन्होंने लोरेटो संप्रदाय की सिस्टर नन की प्रथम दीक्षा ली और एक स्पैनिश सेंट टेरेसा डी लिसियक्स के नाम पर अपने आप को सिस्टर मैरी टेरेसा कहना शुरू कर दिया। टेरेसा का मतलब होता है लिटिल फ्लावर। और फिर 14 मई सन 1937 को उन्होंने नन बनने की अंतिम शपथ ली और इस तरह इसके बाद उन्होंने धार्मिक पदवी मदर टेरेसा को स्वीकार कर लिया। पहले कलकत्ता से 400 मील उत्तर पूर्व की ओर दार्जिलिंग शहर में स्थित लोरेटो कॉन्वेंट में नोविस सिस्टर के रूप में कार्य शुरू किया। फिर कलकत्ता के सेंट मेरीज हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। वहां वो सभी धर्मों से आई मध्यवर्गीय छात्राओं को भूगोल और इतिहास पढ़ाया करती थीं। सन 1944 में वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस नियुक्त हुई। स्कूल के शांत और अनुशासित वातावरण के चारों ओर एक गंदी बस्ती थी। अपने माहौल के विपरीत इस बस्ती का बहुत सुंदर नाम था मोती झील। युवा तपस्विनी मदर टेरेसा जब ये दृश्य देखती तो उन्हें अपनी साफ सुथरी आरामदेह जिंदगी के बारे में सोचकर बड़ा दुख होता। समय तेजी से बदल रहा था। सन 1943 में पहले बंगाल में अकाल पड़ा और फिर 3 साल बाद देश के कई भागों में बंगाल सहित हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। वर्ष सन 1946, 10 सितंबर, 36 वर्षीय मदर टेरेसा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन। अपनी वार्षिक छुट्टियों के लिए वो दार्जिलिंग के लोरेटो मठ के लिए सफर कर रही थी। एक छोटी पर्वतीय रेलगाड़ी अति रमणीक दृश्यों के बीच से होकर गुजर रही थी। सुहाने मौसम का ये दृश्य मदर टेरेसा को अपने वतन योगोस्लाविया की तरह अति सुंदर लग रहा था। गाड़ी की खिड़की से नीले गगन के नीचे बर्फ से लदी हिमालय पर्वत की चोटियां, एकाएक मदर टेरेसा के मन में एक रूहानी ख्याल गूंज गया। उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखा। इट वॉज द कॉल विद इन अ कॉल टू सैशिएट द थर्स्ट बाय सर्विंग हिम इन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इट वॉज एन ऑर्डर, अ ड्यूटी, एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आई न्यू व्हाट टू डू बट आई डिड नॉट नो हाउ। टू फेल वुड हैव बीन to break to faith। आज तक 10 दिसंबर का वो दिन समाज और मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इसको इंस्पिरेशन डे कहते हैं। आधा पेट भोजन पाने वाले और मात्र बदन को ढक पाने जितने कपड़े पहनने वाले बदनसीबों के बीच मिशनरी का काम करने की जब उन्होंने ठानी तो पारंपरिक सलेटी और सफेद मिशनरी लिबास उन्हें कुछ अटपटा लगा। तब उन्होंने कलकत्ता के म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाने वाली
महिला कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली साधारण नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी को अपनाया। वो आशीर्वाद के लिए एक ऐसी ही साड़ी लेकर पादरी के पास गई। मदर, क्या आपको पता है ये साड़ी सबसे निम्न स्तर के म्युनिसिपैलिटी की महिला कर्मचारी पहनती हैं और लोग उन्हें अछूत समझते हैं। इसी कारण ही मैंने ये साड़ी चुनी है। लेकिन यही लिबास क्यों? मैं इस देश के सबसे निम्न स्तर और सबसे गरीब के रूप में पहचाने जाना पसंद करती हूँ। मेरा मकसद गरीब और बीमार लोगों के जीवन से तिरस्कार, पीड़ा और दुखों को दूर करना है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आई एम ब्लेस्ड। फिर वो नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में बाएं कंधे पर क्रॉस और दाएं हाथ में बाइबल लिए हृदय में अथाह आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के काम यानी गरीबों की सेवा में जी जान से लग गई। मदर अब बंगला और हिंदी भी तेज सर्राटे से बोल लेती थी। एक दफा वो ट्रैम में सफर कर रही थी। मैडम, आप किस देश की हैं? आमी इंडियन आशिक। अरे ये तो बंगला भी बोलती है। इमोन, एक सफेद भारतीय की तुम्हाके विश्वास होचे ना? ना। आपनी इंडियन आची सिद्ध संजोगे आर आमी इंडियन आशिक आमार मने। क्या मतलब? आप भारतीय हैं एक संयोग से और मैं एक भारतीय हूँ अपनी मर्जी से। अजीब है पर है सच। हाँ। मदर के शब्दों में, By blood, I am an Albanian. By citizenship, I am an Indian. By faith, I am a Catholic nun. As to my calling, I belong to the world. इकतीस दिसंबर सन 1948 को मदर ने मोती झील की गंदी बस्ती में एक स्कूल खोलने का अपना इरादा पूरा किया। लेकिन उस दिन स्कूल के दरवाजे नहीं खुले क्योंकि खोलने के लिए दरवाजा था ही नहीं। न स्कूल का अपना मकान था, ना बेंच था और ना ही ब्लैकबोर्ड। थोड़ी सफाई के बाद पेड़ के नीचे जमीन पर ये एक मुक्त विद्यालय था। पहले दिन आए 5 छात्र नाक बहाते और गंदे कपड़े पहने तथा शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर थे। मदर ने उन्हें नहला धुलाकर पढ़ाना शुरू किया। जमीन बनी ब्लैकबोर्ड और पेड़ की छड़ी बनी कलम। सब एक संगे बोलोन, दुई दुई कत होय? चारटा। तीन तीन कत होय? छटा। सुंदर, अति सुंदर। मदर ने कहा था, My work is just a drop, what is needed in the ocean of compassion. If I do not put that drop in the ocean will be short of one drop. एक बार गटर में पड़े मरणासन्न व्यक्ति को उठाकर आश्रम में लाया गया। उसका आधे से अधिक शरीर कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसकी सेवा की गई, उसके शरीर से कीड़ों को धोकर साफ किया गया। कृतज्ञ रोगी ने दम तोड़ने से पहले
ये शब्द कहे। मैंने आज तक सड़कों पर एक जानवर की जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब फरिश्ते की मौत मरने जा रहा हूं। मदर, मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। मदर टेरेसा जानती थी कि अपना काम पूरा करने के लिए उनको समर्पित भाव से काम करने के अलावा कुछ और भी करने की जरूरत होगी। इसलिए 7 अक्टूबर सन 1950 में उन्होंने समाज सेवा के लक्ष्य को लेकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। जेब में केवल 5 रुपए थे और वो इस संस्था की पहली सदस्य बनी। मदर से मानव सेवा का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। आज भी उनके द्वारा स्थापित कई संस्थाएं भारत में कार्य कर रही हैं, जैसे नन्हे शिशुओं, अनाथ बच्चों और युवाओं के लिए निर्मल शिशु भवन, अनाथों और अविवाहित औरतों के लिए मदर होम और रोगियों के लिए निर्मल हृदय, विस्थापित भिखारियों और कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के लिए प्रेम निवास, निराश्रित वृद्ध लोगों के लिए ओल्ड एज होम, होम फॉर डाइंग, एक सम्मानजनक मृत्यु तक जीने के लिए। आज 120 से अधिक देशों में, अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर युगोस्लाविया के अल्बेनिया तक, दुखी व पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए मदर व उनकी सहयोगी तपस्विनियां पहुंच चुकी हैं अपनी दया और सद्भावना के साथ। सन 1960, अपनी बीमारी के बावजूद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता में मदर होम के उद्घाटन के लिए पधारे। प्रधानमंत्री महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी संस्था के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। मदर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके मिशन के बारे में पहले से ही पता है। आपकी कार्यनिष्ठा, धैर्य और निस्वार्थ सेवा सचमुच बेमिसाल है। मदर, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैं नहीं, ये मेरे आंसू नहीं है, ये आंसू उन अभागों के हैं जिनका दर्द उनकी आंखों के आंसू सुखा देता है। आपके प्रशंसा के शब्दों ने उनके धैर्य के बांध को पाट दिया है। मदर टेरेसा के कार्यों को मान्यता देने के लिए उन्हें अद्वितीय रूप से बहुत से पुरस्कार और पदक दिए गए हैं, और सबसे बड़ा पुरस्कार था सन 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार। एक साल बाद सन 1980 में भारत सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न
यानी जूल ऑफ इंडिया से विभूषित किया। पांच सितंबर सन 1997 का शिक्षक दिवस। खबर आई, 87 वर्षीय मदर के कमजोर शरीर में एक असहनीय पीड़ा उठी और वो दोबारा सांस नहीं ले सकी। 8 दिन बाद तिरंगे में लिपटी इस महान आत्मा को विश्व ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। जैसा नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया, वैसा शायद ही सिर्फ महात्मा गांधी के अलावा किसी दूसरे को हमारे देश में दिया गया होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्विस चिराक ने मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके महान योगदान को इस तरह याद किया। दिस इवनिंग देयर इज लेस लव, लेस कंपैशन, लेस लाइट इन द वर्ल्ड। मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। करुणा की देवी मदर टेरेसा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर अनुभूति यादव, शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार बाबला कोचर, सुचित्रा गुप्ता, राजश्री त्रिवेदी, गीता वर्मा, हर्ष बाला, सुनील लोहिया, जेमिनी कुमार, प्रभुदयाल खट्टर और हन्ना। ध्वनियांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। Make me a channel of your peace।